फ्रेंड्स, माय नेम इज उमर एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग टीवी। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज भी मंडे नाइट रॉ के बारे में, जो सच में एकदम कमाल धमाल रही। इस पूरे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में एक ही मैच छाया रहा, जो कि था सेवन मैन गॉन्टलेट मैच। और छाया भी क्यों ना, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में ज्यादा टाइम हमें यही मैच देखने को मिला। इसके अलावा इस एपिसोड में हम कवर करेंगे वो सारी चीजें जो आज हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिली, क्योंकि शुरुआत ही में देखने को मिली सेवन मैन गॉन्टलेट मैच से। तो जब स्टार्ट हुआ मुझे लगा शायद ही मैच मेन इवेंट पे होना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा पता लगने लग गया कि आखिर क्यों WWE ने गॉन्टलेट मैच को शुरुआत में ही बात दिया। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलते हैं रोमन रेंस, उससे इंटरव्यू लिया जाता है एलिमिनेशन चेंबर मैच के बारे में। तो वो कहते हैं कि मेरे अलावा कोई भी नहीं हरा सकता ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में, तो मुझे ही जीतना चाहिए और मैं ही जीतूंगा एलिमिनेशन चेंबर में सेवन मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच। इसके बाद फ्री होती है सेथ रॉलिंस की और हमें गॉन्टलेट मैच की शुरुआत देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस। तो आपको लग रहा होगा कि ये गॉन्टलेट मैच का हिस्सा है, तो शायद इतना अच्छा मैच ना हो सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के बीच, लेकिन ये बिल्कुल प्रॉपर मैच था, काफी अच्छा मैच ही रहा। रोमन रेंस की तरफ से काफी सारे सुपर एंड पंच हमें देखने को मिले। सेथ रॉलिंस ने पूरी जान लगाई इस मैच पे, लेकिन फिर एक रोल अप पिन कर देते हैं सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को, और सबसे पहले ही इस मैच से रोमन रेंस बाहर हो जाते हैं। रोमन रेंस के ठीक बाद फिर आते हैं नेशन लीडर जॉन सिना, और फिर हमें मैच देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस एंड जॉन सिना के बीच। मैच ही बिल्कुल वैसे ही रहा जैसे हमें देखने को मिला था सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के बीच। दोनों ही सुपरस्टार की तरफ से काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। जॉन सिना ने काफी सारे ए लगाए यहाँ पर सेथ रॉलिंस को, बट स्टिल यहाँ पर हार नहीं मानी सेथ रॉलिंस ने, और लास्ट में उन्होंने अपना फिनिशर कर्ब स्टॉम लगाया और जॉन सिना को भी लगातार इस मैच से बाहर कर दिया। तो पर्सनली इस मैच में मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा जो अच्छी परफॉर्मेंस रही वो सेथ रॉलिंस के लिए, क्योंकि इस मैच में उन्होंने समय बिताया 1 घंटा 5 मिनट का। जी हाँ, 1 घंटा 5 मिनट इस मैच में सेथ रॉलिंस ने सर्वाइव किया, उन्होंने रोमन रेंस एंड जॉन सिना को भी एलिमिनेट किया। अब इसके बाद एंट्री होती है इसकी और हमें देखने को मिलता है एलायस एंड सेथ रॉलिंस के बीच मैच। तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, ऑब्वियसली बात है काफी ज्यादा थक गए थे, तो इस मैच में इसके बाद एलायस ने सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बैलर और हमें देखने को मिलता है फिन बैलर वर्सेस एलायस के बीच मैच। ये मैच भी काफी अच्छा रहा। अब इसमें थोड़ा बहुत लग रहा था कि फिन बैलर को रिप्स में उनकी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना फिनिशर हिट किया एलायस को और एलायस को भी कर दिया इस मैच से बाहर। सॉन्ग प्ले होता है अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द मिस का, और मिस की जगह वहां पर निकल कर आते हैं मिस्टर राज, और मिस्टर राज भागते हुए रिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो फिन बैलर को ऐसा लगता है कि शायद मिस से पहले यही मुझे फोड़ेंगे ताकि मैं मैच में थोड़ा सा वीक हो जाऊं, और शायद ऐसा ही होने वाला होता है। लेकिन उतने ही पीछे से आते हैं मिस और वो अटैक कर देते हैं फिन बैलर को। तो यहाँ पर काफी अच्छी स्ट्रेटेजी की मिस, उन्होंने काफी शुरुआती टाइम में डोमिनेट भी किया, ऑब्वियसली बात है थोड़े फ्रेश थे मैच में तो उन्हें इसका फायदा भी मिला, और यही काम उन्होंने लास्ट में किया जब उन्होंने अपना फिनिशर हिट किया स्कल क्रशिंग फिनाले। फाइनली एंट्री देखने को मिलती है यहाँ पर आखिरी मैन की, जो कि है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन, और शायद ब्रॉन स्ट्रोमैन को लास्ट में इसीलिए बचाया गया ताकि मैच में हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाया जा सके। तो अब मैच में आपको सभी को पता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन ही भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन एक मोमेंट पर मिज ने भी थोड़ा सा अपना पलड़ा भारी किया था जब उन्होंने अपना फिनिशर स्कल क्रशिंग फिनाले हिट किया। अब मैं यहाँ पर वीडियो को भी बार बार देख रहा था कि आखिर किस तरह से मिज ने अपने हाथों के अंदर भर लिया ब्रॉन स्ट्रोमैन को, लेकिन वाकई में उन्होंने लगा दिया था फिनिशर, लेकिन जब वो पिन करते हैं तो वो इतनी जबरदस्त तरीके से किकआउट करते हैं कि मिस पूरे बाहर गिर जाते हैं मिस राज के ऊपर, जो कि काफी हैरान कर देने वाला था। और अंत में यहाँ पर वो लगाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन अपना फिनिशर रनिंग पावर स्लैम, और गॉन्टलेट मैच के विनर हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन बनते हुए दिखाई दे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन इतने में कहां रुकने वाले, वो जा रहे होते हैं, उसके बाद वो वापस आते हैं और फिर मिस राज को फोड़ते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन मिस भाग जाते हैं बैक स्टेज, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन मिस को बैक स्टेज से भी लेकर आते हैं और फिर से एरिना में धकेलते हैं और रिंग में जाकर लगा देते हैं अपना फिनिशर रनिंग पावर स्लैम। यहाँ पर उनसे इंटरव्यू भी लिया जाता है और वो कहते हैं कि अब मैं चैलेंज करने वाला हूँ एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतकर ब्रॉन स्ट्रोमैन को और बनूंगा नेक्स्ट यूनिवर्सल चैंपियन। कॉन्टेड मैच में दो नए रिकॉर्ड भी बने, पहला तो यही कि सेथ रॉलिंस बने इस मैच के आयरन मैन, जब उन्होंने 1 घंटा 4-5 मिनट का समय इस मैच में बिताया, और अगर इस मैच की हम पूरी लेंथ देखें तो वो हमारे सामने आती है लगभग
100 से 101 मिनट मतलब 1 घंटा 40 मिनट। तो रॉ के एपिसोड में ये अब तक का सबसे लंबा चलने वाला मैच भी बन चुका है। इस बड़े मैच के बाद हमें देखने को मिलता है आस्का का इंटरव्यू, जहां वो रिंग में खड़ी होती है और इस पर रैनिंग उनसे पूछती है उनके अपकमिंग मैच जो कि होगा नाया जैक्स के साथ उसके बारे में। वो कहती है कि वो हराने वाली है एलिमिनेशन चेम्बर में, मतलब अपनी तारीफ करती है, जिसके बाद नाया जैक्स उन पर अटैक करती है। हालांकि आस्का फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन नाया जैक्स लगाती है समोन ड्रॉप और काफी सारे लेग ड्रॉप्स, और इसके बाद आस्का रिंग में बीचों बीच पड़ी हुई दिखाई देती है। अब देखना ये होगा कि क्या नाया जैक्स एलिमिनेशन चेम्बर पेपर में भी ऐसा कुछ कर पाती है या नहीं। साथ ही साथ एक और मैच एलिमिनेशन चेम्बर के लिए जो कि अब कन्फर्म हो चुका है, मैट हार्डी वर्सेस ब्रे वाइट के बीच। एक टैग टीम मैच जो कि था शेमस एंड सिजारो वर्सेस टाइटस वर्ल्ड वाइड के बीच, और इस मैच में जीत हुई टाइटस ओनील और अपोलो क्रूज की, जब अपोलो क्रूज ने पिन किया सिजारो को और इस मैच को अपने नाम किया। हमें देखने को मिलता है वुमेन्स का सिक्स मैन टैग टीम मैच जो कि था साशा बैंक्स बेली एंड मिकी जेम्स वर्सेस मैंडी रोज सोनिया डेविल एंड एलेक्सा ब्लिस के बीच। जीत इस मैच में साशा बैंक्स बेली एंड मिकी जेम्स की, और मैच के अंत में हम कहूँ तो यहाँ पर हमें एलेक्सा ब्लिस एंड मिकी जेम्स एक साथ होती हुई भी दिखाई दी। तो गाइस इतने सारे मैचेस और उनके रिजल्ट्स जो आज हमें मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिले। मुझे उम्मीद है कि आपने मंडे नाइट रॉ के साथ साथ इस वीडियो को भी काफी एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, कमेंट करके बताना कि इस कॉन्टेंट मैच को देखकर अब आपको क्या लगता है कि एलिमिनेशन चेम्बर मैच में क्या होने वाला है और कौन जीतेगा फर्स्ट एवर सेवन मैन एलिमिनेशन चेम्बर मैच। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।